असली चोणा के माहौल का पता ही है। मेरे को पहला सारे बुलाया ने डिटेल कैंडिडेटा बारे चाना पा दिता, पर मैं दो चार मिनट थोड़े अपने वास्ते लेना चाहना। जिस तरह मैं 2007 के सी मोड़ी खैर तो 2000 की आखिरी इलेक्शन में मोड़ी खैर लड़िया, पर मैं रहा इतने समीर के उसके छोटे आशीर्वाद न इलेक्शन जितने तो बाद मैं इतनी रहा। उस तो बाद दोबारा 2015 इलेक्शन जो मैं इतों लड़े हैं तो मेरे सत्कार योग वीर जी रजिंदर सिंह रंगपुरी जी उन्होंने मेरी पहली मुलाकात हुई। उन्होंने मैं पहली बार एक गल पूछी यार भी इसका तेन जान दे रही है बड़ी गल है ग्रुप क्योंकि खुद आप साफ सुथरे गिल सारे बंदे हैं जुर्म रखते हैं कह जी गल कह मुंह कह सकते हैं। इन्होंने जाके प्रोपर चेक कराया मूड़ी खैर मूड़ी खैर तो चेक कराने के बाद मैं क्या थोड़ी रिपोर्ट ठीक आई जी थोड़े नाल उतो मैं बैठे इलेक्शन लड़िया सारे बड़े भरा बैठे हैं अभी जिंदगी थोड़े महाजनवीर जी वर्गे जो बलदेव जी वर्गे जो सारे सज्जन टवाणा जी बैठे हैं मैं सारा नाम नहीं ले सकता। तुम जिन्ना साथ सा दिता है जितना मेरा साथ दिता है मैं जिंदगी सदा थोड़ा देनदार है ऋणी रहूंगा। 9 नंबर वार्ड तो जेडे चोन लड़ रहे हैं श्रोमणी अकाली दल की भैन जी ज्योति गुजराल जी, सरदार हरप्रीत सिंह गुजराल जी, बहुत ही उगे समाज सेवी सरदार रजिंदर सिंह जी रंगपुरी वीर जी, तो सनातन धर्म मंदिर के मुख सेवादार प्रधान वजो बड़े लंबे अरसे तो सेवा निभा रहे हैं के शर्मा जी और उन्हां दी समुची टीम और इन्हों का मैं देखा है कि जिन्हें भी मंदिर कमेटी के इन्हों के अहुदेदार हैं मैंबर हैं बहुत ही इन्हों आपस में प्यार है। बहुत ही जिथे भी इन्होंने कोई गल करनी है शर्मा जी ने जिहड़ी गल कहती मेरा ख्याल कोई भी बंदा कोई भी मंदिर कमेटी का मैंबर इन्हों तो वक्ख नहीं है। हुण भी जिहड़ी कंपेन हो रही है 9 नंबर की और 10 नंबर की सारे साडे नाल चले हैं। ज्यादा जी एन फैमिली का वह 10 नंबर वार्ड में हैं योगेश बंसल जी सार करैल सिंह जी और होर सारे सतपाल महाजन जी और बहुत सारे मेरे वीर जिहड़े साडे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के इस कंपेन के इस जो चोण होने जा रही है 14 तरीक न उस विच साडे नाल बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो सारिया का मैं तहे दिलों धन्यवादी हाँ। तो श्रोमणी अकाली दल ने सानू दोनों वार्डा तो खड़े किया है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना क्योंकि आप सारे को पता है मेरे बारे भी और गुजराल साहब की फैमिली बारे भी क्योंकि साडा जिहड़ा सुभा है साडा जिहड़ा काम करने का तरीका है साडा काम करने का लहजा है वो एक वखरा ही है। तो किसी नूं साडे काम करन दे विच किसी का कोई कदे मन नहीं दुखिया कदे किसी के मन नूं कोई चोट नहीं लगी चाहे कोई गुरद्वारा साहिब का काम है चाहे कोई पार्क का काम है चाहे कोई समाज सेवी होर काम है। तो जितों तक मेरी सरबत का सवाल है मैं 38 साल पंजाब मंडी बोर्ड के जॉब की है थले तो लैके मैं ऑप्शन रिकॉर्डर की पोस्ट तो मैं भर्ती होया सैक्टरी मार्केट कमेटी के अहदे तक मैं पुजिया। तो महकमे में भी मेरिया बहुत सेवावान है बल्कि मेरी उन्होंने कामों से ड्यूटी लगती रही है जिन्होंने ऑनेस्ट बंदे साढ़े एक IAS जो सैक्टरी बोर्ड है जनाब मंडी बोर्ड के उन्होंने एक टीम बनाई थी साढ़े चैनल की चैकिंग वास्ते
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕਰਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ DMO DMO ਸਾਹਿਬ, ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਨੈਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਟਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਦਲ ਬਦਲੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚੋਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਚੱਕ ਲਿਆ, ਗੰਢਾ ਵੰਡਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀੜਾ ਲੱਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡਾ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, 100 ਰੁਪਈਆ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ਗਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ਗਨ 100 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਦਲ ਬਦਲੂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿਉਂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 9 ਔਰ 10 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤਕੜੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੋਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਾਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜੱਟ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ XMC ਸਰ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ KK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਸਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਮੌਂਗਾ ਜੀ, ਸਤਪਾਲ ਮਹਾਜਨ ਜੀ, ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, RPS ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੋਤੀ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਜੋ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਤੋਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ,
वो कदे किसे दा माड़ा नहीं करता क्योंकि उसकी सोच का फर्क पै जांदा जो उन्हें सामने दिखता है जो उसके सामने खड़ा है जिसे नाल वो गल करता है उन्हें फिर वो परमात्मा का रूप ही नजर आता है। सो इस करके वो लोग कदे किसी नाल धोखा नहीं करते। सो मैनू खुशी है इस गल की जो कैंडीडेट तुसी दते ने तुसी दते ने सा कुलदीप सिंह नूं कहा जो साडे साबका एमसी ने शर्मा जी ने बांसल साहब सारे सी असीं कहा भी तुसी अपने कैंडीडेट आप दो और सा कुलदीप सिंह नूं कहा भी अपने वर्गे दो शर्मा जी नूं कहा भी अपने वर्गे सेवा भावना वाले दो। सो अज मैनूं इस गल की बहुत वड्डी खुशी है ते मन नूं तसल्ली है भी जो असीं चाहुंदे सी जो साडी टीम बने उस तरह दे तुसी सानूं ये कैंडीडेट दिते ने। जिथे तक आपां साडे जो साबका एमसी ने सा कुलदीप सिंह की गल करा एमसी तो पहला मैं जदों असीं 2004 च गिलको इत्थे आया सी मेरे ख्याल 5 या 6 तो मेरी दोस्ती है इन्हां नाल शर्मा जी नाल काफी लंबी दोस्ती है। सो जे अज उन्हां दी शख्सियत की गल करिए तां उन्हां दे काम बोलदे ने जदों असीं आके बार च मीटिंगां कीतियां तां बड़ी मन नूं खुशी होई कि पहले एमसी ने जिन्हों लोग चाहते ने भी इन्हू दोबारे इतने तुसीं इतने इन्हां नूं भेजो जी असीं घर बैठे नूं जिता के भेजांगे। बड़ी मन नूं तसली होई कि जे काम कीता तां ऐ नहीं तां बंदा मूंह छपाउंदा वी ऐ वार्ड चो ना दिओ मैनूं किसे होर च भेज दो क्योंकि कीता कुछ नहीं हुंदा। बाकी जिथे तक दस्सिया भी अजकल की हो रहा है देखो सा कुलदीप सिंह खड़े ने बुराई किसी की करनी नहीं चाहती हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई पर सच्चाई छुपाई भी नहीं जा सकती। इतने तक साडे जेडे अपना नुमाइंदे चुन के भेजते हैं अपन इतने तक भेज देंगे इतने तक गिर जाते ने रेहड़ी वाले तो भी पैसे ले जाते हैं। सफाई एक बार च 10 बंदे ने दूजे च भी उही 10 तीजे च भी उही 10 उन्हां जो भी पैसे खाई जाते। सो तुसी सोचो जेड़ा बंदा इस पूरी सोच इतने तक गिर जाती है आपां कदों उम्मीद करांगे भी वो साडे दुख सुख च खड़ेगा जां साडे विकास जिस लई असीं चुनिया है जो भावना रख के असीं इन्हां नूं चुनिया है कि ये खड़नगे। सो इस गल की मेरे मन नूं तसली है कि साडे दोनों कैंडीडेट धार्मिक शिक्षियां बने समाज सेवा का काम ऑलरेडी कर रहे ने। ये अपना गल सरकार की करिए देखो 4 साल लंघे ने आपां सारियां नूं पता भी सरकार किवें बनी है आपां पंजाबी लोग हैं जे कोई आपां नूं सौं खा के कह दे कि मैं ये करूंगा आपां विश्वास करदे लेकिन जे कोई गुटका साहब ते हथ रख के वह भी तख्त दमदमा साहब वल नूं हथ करके कहे भी मैं घर घर नौकरी दू करजे माफ करूं 51,000 छगन स्कीम स्मार्टफोन पता नहीं किन्ने वादे किन्ने मतलब कितने तक भी आटा दाल स्कीम जो चलो अपन थोड़े महाराज की कृपा जो पिंडा च गरीब लोग ने आटा दाल स्कीम उन्हें कहा भी आटा दाल स्कीम तो पहली सरकार दी असी चाह पत्ती देवे तो घ्यो देवे घ्यो भी देवे देसी वो लिखिया उसके दिनों ने मैनीफेस्टो। सो इन्ना झूठ बोल के सरकार बन गई पर कीता 4 साल च कुछ नहीं 4 साल तुसीं देख लो जो प्रोजेक्ट चल रहे ने सारे पिछली सरकार वेले दे ने नेट ते सारा कुछ पिया ते लोकां च हुण इन्हां दी खुशकिस्मती है भी कोरोना ने बचा लिया क्योंकि नहीं तां लोकां च जान तों लोक जवाब मंगदे ने भी दसो तुसीं इन्ना कुछ किया है ते कीता की है। सो कहण दा भाव आ भी आपां नुमाइंदे बहुत सोच समझ के चुनिए जो लोगों के दुख सुख से खड़न हूँ जो माड़ा समा सी करोना का जो लोग घरों निकल तो डरते असी सोचा भी बेशक घर के भी है भी बाहर ना जाओ भी इन्ने क्योंकि इन्ना डर बैठ गया सी तो असी क्या भी नहीं जो देखते दे भी गरीब लोग जिन्हों की रोटी चलेगी रोज दिहाड़ी करके खाते अच रोटी तो उन्होंने मुश्किल आ रही है असी एक गिलको ना की रसोई बना के गिलको वैली के सहयोग नाल असी डेली 5,000 बंदे का लंगर 50 दिन 2.5 लाख बंदे नूं अपनी गड्डिया भेज भेज के जिथे बैठे से असी लंगर छकाया फिर असी प्रेस नोट प्रेस च भी दिता भी सैनिटाइजेशन जेड़ा जो सरकार का काम है भी सरकार करावे
जब देखिया भी कोई कुछ नहीं करता, फिर असी अपनी एक मशीन लिया के चार बंदे साढ़े डेली सवेरे तो शाम तक वो बच्चे लगे रहते सी। मैं उन्हों का भी धन्यवाद करता जिन्होंने उस माड़े समय च उन्होंने जान की परवाह नहीं की। 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बना के जिथे कितने भी केस आता सी, जो भी सानू फोन करता सी, असी इमीडिएट उत्थे भेजते सी। बेशक उसका फायदा कितना होता सी, नहीं होता सी, पर एक मन नूं ते लोगों के मन नूं तसल्ली हो जाती सी वी साडे केस आया ते हुण इत्थे सैनिटाइज हो गया, चलो ठीक है। सो कहण दा भाव है जो नुमाइंदे हुंदे ने ते साडे बाकी कई पार्टियां दे तां जो लीडर सी उन्होंने घर के बाहर लिख के लाता भी मिलना मना करोना के कारण। सो जो लोगों के लीडर होंगे ने उन्हों का फर्ज होंगे दुख सुख के विच खड़न फिर लोगों के नाल, उन्हों का दुख तकलीफ नूं अपना समझन, उन्हों की मुश्किल नूं अपना समझन। तुसीं तां पढ़े लिखे लोग हो, मतलब ये आपां बहुत सोच समझ के अपने आपां ने कैंडीडेट चुने ने। सो हुण एमसी दे जो असीं अपनी टीम तैयार की है, मैं बहुत सोच समझ के सारे नाल सलाह करके कि आपां सेवा भावना वाले बंदे लेके आने हैं। कल नूं ये ना हो गई वार्ड के जो वोटर जो उन्हां नूं जिताउंदे ने उन्हां लई कितें सौदा करी जाण। सो असी टीम तैयार की है कि आने वाला समा 6 महीने रह गए सरकार के, अगर 3-4 महीने इन्होंने कोर्ट च लंघ जाने ने। जे परमात्मा करे सरकार आउंदी है कमेटी अपनी होगी तो किसी भी शहर की डिवेलपमेंट बहुत वधिया तरीके कराई जा सकती, क्योंकि वार्ड के मुद्दे तो हल हो जाते हैं कमेटी चो, जे कि स्ट्रीट लाइट है कोई पार्क की गल है। लेकिन जे इतने 2-3 मुद्दे बहुत वड्डे ने जो इस शहर में आने वाले समय च बहुत वड्डी समस्या आने वाली है, वह सिर्फ सरकारां लई हल कराए जा सकते हैं। सब तो वड्डी समस्या इतने पानी की आने वाली है, जिवें पहला बुलारे बोल के गए ने दसिया भी पानी कितना डीप जा रहा है। असी भी जदों 2005 च ट्यूबवैल लगाए थे 900 फुट पर लगाया सी, अज उही ट्यूबवैल 1300 फुट पर चले गया, किसी टाइम फेलियर हो जाएंगे। सो ये शहर इन्ना वध रहा, दिन रात वध रहा है, क्योंकि जिनी आप कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कराने साल बाद घट पै जाती है, क्योंकि चारों पास डिवेलपमेंट हो रही है। सो आने वाली समस्या पानी की बहुत वड्डी खरड़ शहर में आएगी। सो लोड़ है कि कजौली वाटर वर्क्स तो सरकार आँदी है उसके सहयोग नाल उस तो पानी लिया जाए। चंडीगढ़ पहले जाए रहे मोहाली वाले ने हुण ले लिया, आप देखा सड़क पुटी हुई है। सो आपां नूं भी लोड़ पैनी है। तो दूसरा इतने बस स्टैंड है ही नहीं, एडे बड़े शहर जितने के 2 बस स्टैंड होने चाहिए, एक भी है नहीं। हॉस्पिटल वो खुद बीमार है, तुम हाल देखो हॉस्पिटल खुद ही बीमार है। तुम देखोगे कि जिते इन्नी पापूलेशन घट्टो घट 2-3 हॉस्पिटल चाहिए ने, लेकिन हाल बहुत माड़ा उस हॉस्पिटल का। सो इदा दिया कुछ वड्डिया होने वो सरकार वेले दिया ने, छोटे मोटे काम जो होंगे ने एमसी च हो जाते हैं, पर हम एमसी अपनी बना लेंगे परमात्मा करी सरकार आती है तो आप बड़े मुद्दे हल करवा सकते हैं। सो यही बेनती है, जिथे तक मेरे भैन जी दस के गए ने, वाकई मेरा 26 साल पहली बार, मैं 26 साल लगातार हो गए ते माघ दे महीने पाठ करता सी, पर पहली बार मेरे तो हमने मिस होया। पता नहीं अरदास करी दी अभी चंगा या माड़ा, पर अपना अरदास हुण भी करते हैं। मैं अपने सोसायटी दिया सुखमनी सोसायटी दिया भैणा बैठे उन्होंने भी कहना अरदास करियो। मैं मन बनाया कि 17 तरीक नूं रिजल्ट आने तो बाद अपना मिस ना करिए, चलो फर्क थोड़ा समय का पै गया भी वह भी जरूर कर लिए। सो यही बेनती है मेरी भी तुसी आने वाली 14 तरीक नूं साढ़े दोनों कैंडीडेट जिन्हों का चोन निशान सक्रिय है पूरा बटन दबा के तुसी कामयाब करके भेजो, असी इन्होंने नाल होंगे, थोड़ा सहयोग थोड़ा आशीर्वाद नाल होएगा। आप जिन्या भी समस्यावान ने वो आप सारे बैठ के रल मिल के हल कर लाँगे। सानू एक मेरे मन में दुख भी बड़ा होया कि कुलदीप सिंह एक्स एम सी साडा हीरा सी, इन्हां नूं पता भी किवें किवें एमसीआं ने अपने उस चिक्कड़ दे हट दबोए ने, पर मैनू माण है इस भरा ते जिन्होंने उस वल झाकिया भी नहीं। पर मैनू ये दुख भी है इस गल का कि ये हुण इलैक्शन कितों नहीं लड़ रहे, क्योंकि इहदा वार्ड रिजर्व हो गया सी, असीं तां होर ही बड़ी ऑफर कीती, क्योंकि इहो जिहे हीरे बंदे लोक नुमाइंदे बड़े मुश्किल मिलते ने। सो कोई गल नहीं, उन्हां दी जगह असीं कुलदीप सिंह दी जगह असीं साहब कुलदीप सिंह ही लिया है। सो तुसीं हुण इहनां नूं पूरा माण बख्श के
ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੋਤੀ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋਗੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।